अरुणोदय सिंह, अरुणोदय सिंह अंशुमान, हाँ नोट्स आपको मिल गए, हाँ और मैंने कल का लेक्चर भी गूगल क्लासरूम में अपलोड किया हुआ है, जो भी कल मिस कर दिया है जिन्होंने वो कल का लेक्चर गूगल क्लासरूम से अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, कल का पूरा वीडियो लेक्चर उसमें डाला हुआ है मैंने। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। देयर आर टू स्टैंडर्ड्स, डिफेक्टो एंड डिज्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैंडर्ड? A standard provide a model for development that make it possible for a product to work regardless of individual manufacturer. Repeating again, a standard provide a model for development that make it possible for a product to work regardless of individual manufacturer. दो टाइप के आपके स्टैंडर्ड होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आता है, नोट्स लिखने के लिए आता है। पहला स्टैंडर्ड आपका होता है डिफैक्टो, ये ग्रीक वर्ड है, डिफैक्टो स्टैंडर्ड, डिफैक्टो स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है फ्रॉम द फैक्ट, ग्रीक वर्ड है डिफैक्टो का मतलब होता है फ्रॉम द फैक्ट इन लैटिन, मींस these standards just happened or accepted without any format or plan. मतलब इसमें कोई fix plan नहीं होता है, कोई fix standard नहीं होते हैं। For example, अगर आप बात करें IBM made own standards later introduced and accepted by other companies. इसमें कोई भी network establishment company अपना standard खुद से establish कर सकती है और बाद में उससे रिलेटेड एविडेंस रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उसको एक जनरलाइज वे में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, लिख देता हूं, दीज आर स्टैंडर्ड्स जस्ट हैपेंड और एक्सेप्टेड विदाउट एनी फॉर्मेट और प्लान। ठीक, सेकेंड है डिज्योर, डिज्योर स्टैंडर्ड, डीई जे यू आर ई, इसका मतलब है बाय लॉ, लैटिन में ग्रीक वर्ड है, इसमें लैटिन में इसका मीनिंग है बाय लॉ, मींस दीज स्टैंडर्ड्स आर प्लान्ड एंड डेवलप्ड बाय ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड और क्रिएटिंग बॉडीज। फॉर एग्जांपल, जैसे आई ट्रिपल ई है एंड आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और आपका SEICMM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फॉर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये सब एक स्टैंडर्ड फिक्स फॉर्मेट पे बेस्ड हैं बाय लॉज
एंड एनी गवर्निंग बॉडीज। दो तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक डिफैक्टो जो कि विदाउट बेस्ड ऑन एनी फॉर्मेट प्लान और रूल मे बी डेवलप्ड बाई कंपनी बाई दियर ओन वर्किंग ओन स्टाइल एंड रूल्स फर्दर बाई एविडेंस बाई प्रैक्टिकल अप्रोचेस इट मे बी एक्सेप्टेड इन अ जनरलाइज्ड वे और पेटेंट विद मैनी अदर फॉर्म्स। सेकेंड वन इज डिज्यूर मीन्स बाय लॉ। दीज स्टैंडर्ड्स आर प्लान एंड डेवलप्ड बाई ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड और क्रिएटिंग बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल IEEE या आपका ISO। प्रशून शुक्ला टाइमली भाई क्लास में आइए। नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस नेटवर्क डिजाइन ऑब्लिक आर्किटेक्चर। ठीक, तो कुछ ऐसे प्रीरिक्विस्टीज, कुछ ऐसे कॉजेस जो नेटवर्क डिजाइन को अफेक्ट करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब OSI मॉडल पढ़ेंगे देयर आर 7 लेयर्स इन OSI मॉडल एंड वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन लाइबिलिटीज ऑफ ईच लेयर विद डिजाइन इश्यूज ऑफ ईच लेयर। तो बिसाइड्स वी आर मूविंग टू OSI मॉडल, एक जनरलाइज्ड वे में नेटवर्क में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं जो उसके डिजाइन या आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर ये नोट जरूर करिएगा, ये आपको ज्यादा बुक में मिलेंगे नहीं, वुड लिस्ट द सर्विसेस दैट हिज ऑब्लिक हर एप्लीकेशन नियरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि अ गारंटी दैट ईच मैसेज द एप्लीकेशन सेंड्स विल बी डिलीवर्ड विदाउट एरर विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। गारंटी का मतलब हर एप्लीकेशन कोई भी आप बनाएंगे तो वो मैसेज, क्योंकि नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट का मेन पर्पस है मैसेज को ट्रांसफर करना, तो मैसेज विल बी डिलीवर्ड विद एन अ टाइम विदाउट एनी एरर। दिस इज फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट। सेकेंड वन, अ नेटवर्क डिजाइनर वुड लिस्ट, एक लिस्ट बनेगी द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन। मतलब नेटवर्क डिजाइनर का मेन काम है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाना नंबर ऑफ इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन को इंप्लीमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल दैट नेटवर्क रिसोर्सेज आर इफिशियंटली यूटिलाइज्ड एंड फेयरली एलोकेटेड टू ऑल यूजर्स। इस तरह का डिजाइन हो कि
जो रिसोर्सेज है वो जितने नेटवर्क यूजर्स हैं वो सारे के सारे यूजर्स रिसोर्सेज को फेयरली यूज कर पाए और उनको एक्सेस हो, इस तरह का नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, अ नेटवर्क प्रोवाइडर वुड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम दैट इज इजी टू एडमिनिस्टर एंड मैनेज, फॉर एग्जाम्पल इन विच फॉल्ट कैन बी इजिली आइसोलेटेड एंड वेयर इट इज इजी टू अकाउंट फॉर यूजेस। एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना या नेटवर्क प्रोवाइडर इस तरह की जो लिस्ट इम्प्रूव करे जिसमें वो करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो कि आप जो एरर्स हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उनको इजिली आइसोलेट अलग कर दीजिए एंड वेयर इट इज इजी टू अकाउंट फॉर यूजेस। दीज थ्री आर कॉन्स्टेंट एंड रिक्वायरमेंट दैट इन्फ्लुएंस नेटवर्क डिजाइन या आपका जो भी आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट कम टू द नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर कंसिस्ट सम इश्यूज एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच मे बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द नेटवर्क डिजाइन। मीन्स जब आप इसका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो कुछ कॉन्स्ट्रेंट, कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिससे कि आप इफेक्टिव और इफिशियंट नेटवर्क को डिजाइन कर पाए। नेटवर्क डिजाइनर हैव डेवलप्ड जनरल ब्लूप्रिंट यूजुअली कॉल्ड अ नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट गाइड द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर नेटवर्क डिजाइन। अ कस्टमर नेटवर्क मस्ट प्रोवाइड जनरल कॉस्ट इफेक्टिव फेयर एंड रोबस्ट कनेक्टिविटी। जो मेन पॉइंट है दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव, सेकेंड वन इज फेयर मतलब इजिली लुक एंड फील हो, रोबस्ट कनेक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमंग लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर आर, देयर आर वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज डिजिटल ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रीम्स of binary information. Earlierly I told you that information or message which will be sent from source to destination in the form of binary digits between nodes. Second point, exchange of frames of information between the nodes. Third one is medium access control procedure
फोर्थ वन इज एड्रेस टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोट्स. फिफ्थ वन इज, ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. बिफोर डिजाइन एनी नेटवर्क आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर वी शुड कैप्ट इन माइंड एंड वर्क अकॉर्डिंग दीज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर विच विल बी प्रपोज सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ पैकेट्स, प्रज्ञा त्रिपाठी लेट हो, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज जो आपका इंफॉर्मेशन या डेटा होता है वो एक सेकेंड या दो बिट के फॉर्म में नहीं जाता, ये पैकेट के या फ्रेम के फॉर्म में जाता है. बिटवीन पैकेट स्विच इन अ नेटवर्क, और जब ये जाएगा नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा, देन देयर अराइज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूटिंग, मतलब विच रूट इज बेस्ट रूट. नेक्स्ट, डायनेमिक कैलकुलेशन ऑफ रूटिंग एंड रूटिंग टेबल्स. नेक्स्ट वन इज कंजेशन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट है. वेन एवर वी सेंड एनी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन देयर मे बी ए केस अराइज ऑफ कंजेशन, कंजेशन कोलिजन. तो कोलिजन को कैसे अवॉइड करना है, कोलिजन को डिटेक्ट कैसे करना है, इनके लिए भी प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें अभी हम लोग आपका जो सेकेंड यूनिट है डेटा लिंक लेयर उसी में आगे पढ़ेंगे. कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन CD, ये फॉर्मेट जो होता है प्रोटोकॉल CSMA और साथ ही साथ CD, कैरियर सेल्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन. एक CSMA होता है और दूसरा CSMA CD विद कोलिजन डिटेक्शन. तो कंजेशन कंट्रोल को, कंजेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये भी मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है. एट पॉइंट, इंटरनेटवर्किंग प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी अक्रॉस मल्टीपल कॉमा पॉसिबली डिसिमिलर नेटवर्क, ये भी कंडीशन आपकी हो सकती है. बाय यूजिंग गेटवेज और राउटर्स, अभी इंटरनेटवर्किंग टूल्स आपके थर्ड यूनिट में आएंगे तो आपको इंटरनेटवर्किंग टूल्स बता दिए जाएंगे, जिसमें आपका ब्रिज राउटर्स गेटवे ये सब आएंगे. नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ मैसेजेस इनटू पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन एंड. Ritik, you are late. अच्छा चलिए ठीक है, आज मौसम भी सही है. सो देयर आर 9 इंपॉर्टेंट इसेंशियल पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल एस्टेब्लिशिंग मेकिंग एनी आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ योर नेटवर्क. आई एम, जो लोग लेट से ज्वाइन करा जिन्होंने उनको मैं फिर से बता देता हूं. फर्स्ट वन इज
डिजिटल ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन बिटवीन नोड्स, सेकेंड वन एक्सचेंज ऑफ फॉर्म फ्रेम्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द नोड्स, थर्ड वन इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर, फोर्थ वन इज एड्रेस टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन नोड्स, एक्सचेंज ऑफ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पैकेट स्विचिंग इन अ नेटवर्क, नेक्स्ट डायनेमिक कैलकुलेशन ऑफ राउटिंग एंड राउटिंग टेबल्स, सेवन कंजेशन कंट्रोल विच विल बी कैरीड आउट प्रोटोकॉल CSMA एंड CD, नेक्स्ट इंटरनेटवर्किंग प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी अक्रॉस मल्टीपल पॉसिबिलिटी डिसिमिलर नेटवर्क बाय यूजिंग गेटवेज और रूटर्स, लास्ट सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफ मैसेजेज इनटू पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन एंड. दीज आर इसेंशियल एलिमेंट्स kept in mind during architecture and structure of a network. Then comes to the types of network. Types of network. Network कितने तरह के आपके होते हैं? देखिए main तो हम लोग सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं. There are three types of network. First is LAN. सेकेंड वन इज मैन. एक्सप्लेन करता हूं साथ ही साथ इन तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, एज नेम सजेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क विच आर नॉर्मली रिफर्ड टू सिंपली एज ए लैन, जिसको हम लोग लैन कहते हैं, आर यूज टू इंटरकनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिटीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड लोकेटेड विद अ सिंगल बिल्डिंग और लोकलाइज ग्रुप ऑफ बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कि आपका प्रिंटर अटैच्ड है, प्रिंटर अटैच जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है सिंगल, आपके पास सिंगल एलोन नोड, वो भी लैन की तरह वर्क करता है. ये ध्यान रखते हैं, लैन के लिए देयर इज नो नीड कि टू मशीन्स होनी चाहिए. जो हमारा एक कंप्लीट डिवाइसेज होता है इंक्लूडिंग प्रिंटर स्कैनर, दिस ऑल्सो नोन एज अ लैन कॉन्फिगरेशन ऑफ योर डिवाइसेज और पेरिफेरल्स. ठीक है, फॉर जैसे आप एग्जाम्पल कह सकते हैं लैन का. दूसरा, लैन टू इंटरकनेक्ट वर्क स्टेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ऑफिसेज विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग, सच एज फॉर एग्जाम्पल अवर कॉलेज, यहाँ पे पीपुल्स ऑफ पूरी तरह से चल रहा है. ठीक, यूनिवर्सिटी और स्मॉल ग्रुप्स, जो सपोज करिए जो सिंपल आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसमें 8 से 10 सिस्टम्स होते हैं, वो जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो भी एक लैन की तरह वर्क करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन क्या है आपकी? फर्स्ट, लिमिटेड जियोग्राफिक ऑपरेशन, सेकेंड वन इज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट. ये ध्यान रखिएगा, इसमें स्पीड सबसे ज्यादा रहती है क्योंकि डिस्टेंस जो कवरिंग एरिया है वो काफी कम होता है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज हो जाती है. थर्ड वन इज फुल टाइम कनेक्टिविटी. टू लोकल सर्विसेस, एंड चीप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव नेचर इज द
चीपनेस ऑफ दिस नेटवर्क, मतलब आप कह सकते हैं इसकी कॉस्ट काफी कम होती है, काफी चीप होता है ये नेटवर्क। सेकेंड वन इज मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, एज नेम सजेस्टेड मेट्रोपोलिटन मतलब नंबर ऑफ सिटीज में आपका जो सिस्टम नोड्स का कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, दिस इज नोन एज मेट्रोपोलिटन। मेट्रोपोलिटन नेटवर्क एरिया या जो आपका मैन है इज बेसिकली बिगर वर्जन ऑफ अ लैन एंड नॉर्मली यूजर सिमिलर टेक्नोलॉजी लेस लाइक मैन। मैन इज डिजाइन टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी, इट मे बी सिंगल नेटवर्क सच एज अ केबल टेलीविजन नेटवर्क। आप समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क होल ऑफ सिटी या इंटर सिटी में भी जो केबल नेटवर्क वर्क होता है वो मैन की तरह वर्क करता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है केबल नेटवर्क आपका। The high speed link between lands within a man are made possibly by fiber optic connection. It may be possible that combination of LAN become as a man or function as a man. This may be possible. Characteristics of man. First one is relatively a new class of network. Second, इसकी स्पीड होती है वो काफी हाई होती है। The speed of network is high but less than from LAN. LAN से कम होती है, स्पीड हाई होती है बट LAN से कम होती है। थर्ड वन इज मैन एक्ट्स एज अ सिंगल नेटवर्क विद कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड, जो मैंने आपको भी पहले बताया, एंड मैन इज ओन्ड बाई प्राइवेट कंपनीज और सेल्फ आल्सो। ये इसके कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि मतलब आप चाहें तो खुद भी मैनेज कर सकते हैं बट इट इज टू डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड विद लैन, बट इट इज आल्सो ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर आल्सो। नेक्स्ट कम टू द वाइड एरिया नेटवर्क। दैट इज वैन,